तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्मार्टफोन जो कि 10,000 के अंदर है और बहुत ही अच्छे है, जिनको आप घर बैठकर ही मंगा सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला हमारा स्मार्टफोन है जो कि रियलमी नार्जो है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये में ही खरीद सकते हो, जो कि फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसकी रैम देख लेते हैं। इसकी रैम 3GB रैम है, 32GB रोम है, एक्सपांडेबल 256GB तक इस मेमोरी एक्सपांड करता है। तो देखिए इसकी जो बैटरी बैकअप है, यही मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको बहुत ही अच्छा रहेगा ये अपने बजट में 10,000 के अंदर। तो चलिए मैं आपको दूसरा मोबाइल दिखा देता हूँ। हमारा दूसरा मोबाइल भी रियलमी का ही है, जो कि इस पर आप ना गेमिंग भी कर सकते हो, मतलब पबजी खेल सकते हो बहुत ही आसानी से, जो कि हमें 10,000 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा। 1 रुपये आपका सेव हो जाएगा। तो देखो इसका जो रैम है, इसका रैम 4GB है, 64GB इसकी रोम है। और कुछ इसकी खासियत देख लेते हैं। इसकी भी बैटरी देखो 6000 mAh की है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और ये ना इस पर आप गेमिंग तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत ही अच्छी गेमिंग कर सकते हो, जो कि यार मुझे रियलमी गेमिंग के बारे में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं खुद पबजी लाइट वगैरह खेल लेता हूँ, तो मैं भी इसी फ़ोन का यूज़ करता हूँ, इसी फ़ोन से मैं भी गेम वगैरह खेल लेता हूँ। चलिए तीसरा मोबाइल आपको दिखा देता हूँ। तीसरा मोबाइल है रेडमी नोट 9, जो कि थोड़ा सा महंगा जाएगा आपको 11,000 रुपये में, पर आप इसको भी ले सकते हो अगर आपको रेडमी के मोबाइल ही लेना है तो। इसका भी कुछ वैसा ही है, सेम है। इसका थोड़ा सा बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है, पर चल जाता है, अच्छा है। चलिए नेक्स्ट मोबाइल की तरफ, जो कि सैमसंग का है। सैमसंग का भी मोबाइल आपको 11,000 रुपये तक आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है, गैलेक्सी F12। इसका बहुत थोड़ा सा हाईलाइट देख लो, 4GB रैम है, 64GB, मतलब सेम ही है। और इसकी भी बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, आप सैमसंग भी ले सकते हो अगर आपको सैमसंग अच्छा लगता है तो। चलिए नेक्स्ट देखते, जो कि हमारा नेक्स्ट है मोटोरोला। मोटोरोला के मोबाइल भाई अच्छे होते हैं यार, इतने बुरे भी नहीं होते। इसका भी कुछ वैसा ही सेम है। इसका बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम दिया गया है रियलमी के मुकाबले। चलो नेक्स्ट देखते, जो कि है हमारा पोको। क्या है ना, आजकल पोको बहुत ट्रेंड में चल रहा है। पोको के मोबाइल हर कोई लेना पसंद करता है। इसमें हमको स्नैपड्रैगन देखने को मिलेगा, और 48MP ट्रिपल कैमरा है, 6000 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत ही अच्छी है, और स्टेरो स्पीकर है, पीको क्लीन एक्सपीरियंस है इसका, FHD+ डिस्प्ले है, 6GB रैम है, जो कि बहुत ही अच्छी है, और इसका स्टोरेज है UFS 2.2 स्टोरेज है, जो कि बहुत ही अच्छा है यार। मुझे पर्सनली ये मोबाइल बहुत अच्छा लगा, पर ये थोड़ा सा महंगा है, इसलिए आप रियलमी भी ले सकते हो, क्योंकि गेमिंग में रियलमी बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।